हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। तो आज का शीर्षक है, क्या मसीही के शव को जला सकते हैं? आमतौर पर एक मसीही यह सवाल क्यों पूछता है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अपने परिवार में अकेला मसीही हो और उसके परिवार वाले हिंदू हों, तो उसको ये डर होता है कि जब वो मरेगा कभी तो उसके परिवार वाले उसको जला देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका परिवार तो मसीही है लेकिन उसके बाकी सारे रिश्तेदार हिंदू हैं, तो उसके परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हो सकता है कि रिश्तेदार आकर दबाव डालें कि भाई ये तो हिंदू परिवार से था तो हिंदू रीति रिवाज के आधार पर ही इसको जला देना चाहिए, क्योंकि वो तो धर्म को समझते हैं, रीति रिवाजों को समझते हैं, उनके आधार पर तो जो जिस धर्म में पैदा हुआ उसका वही धर्म होता है। मसीहत को तो वो समझते नहीं है, मन फिराव को तो समझते नहीं है, इसलिए वो दबाव डाल सकते हैं। तो भी क्या फर्क पड़ता है अगर शरीर को जला दिया तो? क्यों मसीह इतना परेशान रहता है उसको सोचकर? उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं उसको शंका होती है कि भाई बाइबल में तो लिखा है कि मसीह का जो शरीर है मृत्यु के बाद वो फिर से जी उठेगा, उसका पुनरुत्थान होगा जब यीशु आएगा रैप्चर के समय में। तो अगर उसके शरीर को जला दिया तो फिर उसका पुनरुत्थान कैसे होगा, वो फिर से शरीर कैसे जी उठेगा? इसी वजह से वो ये सवाल करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है कि एक मसीही के शव को जलाना चाहिए या गाड़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है बाइबल में। प्राचीन सभ्यताओं में क्या होता था कि जो मनुष्य का शरीर है उसको आदर और सम्मान देने के लिए उसको गाड़ देते थे, उसको जलाते नहीं थे, क्योंकि उस समय में बहुत जगह बहुत जमीन होती थी। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल के समय की जो सभ्यताएं थी अन्य जातियों की, वे लोग शव को जला देते थे, पर जो इजरायली थे वे कभी जलाते नहीं थे, वे गाड़ देते थे, क्योंकि उनका जो विश्वास था वो पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ था। तो बाद में यहूदियों से निकलकर जब चर्च आए तो उन्होंने भी यही रीति रिवाज अपनाया शव को गाड़ने का। अब यहूदियों के समय में क्या होता था कि जो भी अमीर यहूदी होता था वो अपने परिवार के सदस्य के शव को जमीन से ऊपर की कब्र में रखवाता था या गाड़ता था, लेकिन जो गरीब होता था यहूदी उसको जमीन के अंदर नीचे गाड़ना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई थी तो यीशु मसीह तो गरीब था, लेकिन यूसुफ अरिमतिया नामक एक धनी मनुष्य ने यीशु को अपनी कब्र में रखा। तो उसने वो कब्र खरीदी थी, क्योंकि खरीदनी पड़ती थी वो कब्रें, उसने चट्टान से खुदवाई थी वो, तो यीशु को उस कब्र में रखा गया जैसा मत्ती 27:57-60 में लिखा है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप शरीर को किस तरह निपटाते हैं, जलाकर कि गाड़कर, मायने ये रखता है कि मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में मसीहियों का क्या सिद्धांत है बाइबल में। पौलुस हमें सिखाता है कि हमारा जो शरीर है ये तो कुछ समय के लिए है, जब हम मर जाएंगे तो हमारा प्राण इसमें से निकल जाएगा। तो हमारा शरीर तो एक डेरा है, एक तंबू, टेंट है। दूसरे कुरिन्थियों का 5:1-2 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है, परमानेंट है। तो वो जो शरीर हमें दिया जाएगा उस समय परमेश्वर के द्वारा, वो हमेशा के लिए रहेगा। इस शरीर में तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। मृत्यु के बाद हमें वो स्वर्गीय शरीर मिलेगा। जब यीशु वापस आएगा रैप्चर के समय में, तो जितने भी मसीही हैं जो यीशु के नाम से मर गए वो सब जी उठेंगे, और हमारा जो शरीर, जो चाहे वो गाड़ा गया हो चाहे वो जलाया गया हो, वो रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड, और उसमें एक नया तेज होगा और वो अविनाशी शरीर बन जाएगा, इटर्नल, जिसमें फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, जैसा पहले कुरिन्थियों के 15:42-43 में लिखा है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है, वह अनादर के साथ बोया जाता है
और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। तो क्या होता है कि कुछ मसीही सोचते हैं कि इन आयतों के आधार पर कि भाई अगर किसी मसीही का शरीर मृत्यु के बाद जला दिया गया तो फिर उसका तो पुनरुत्थान होगा नहीं। पर बाइबल के आधार पर यह गलत सोच है, क्योंकि अगर किसी मसीही का शरीर गाड़ भी दिया जाता है कब्र में या जमीन के अंदर, तो भी एक समय के बाद वो मिट्टी बन जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, उसको कीड़े खा लेते हैं, मिट्टी में मिल जाता है वो। अगर आप आज पुरानी मसीही कब्रों को खोदकर देखेंगे, 500 साल पुरानी या 1000 साल पुरानी, तो वो सब भी मिट्टी बन चुके होते हैं। तो भले ही आप गाड़ें जमीन के अंदर या आप जलाएं, सब कुछ मिट्टी बन जाएगा, डस्ट। अब मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, 1000 साल के बाद जब यीशु बैठेगा श्वेत सिंहासन पर, द व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जहां पर वह न्याय करेगा अविश्वासियों का, तो उस समय अविश्वासियों का भी पुनरुत्थान होगा। तो वो कहां कहां से आएंगे? प्रकाशित वाक्य 20:13 कहता है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, जो यीशु द्वारा होगा। कहने का मतलब यह है कि जो शव शरीर के अंदर थे, जो समुद्र के अंदर थे पहले, उनको भी पुनरुत्थान हुआ और वो यीशु के सामने लाए गए। उदाहरण के तौर पर अगर आप फिरौन की जो सेना थी जब वो इसराइलियों का पीछा कर रहे थे लाल समुद्र को पार करते समय, तो वो समुद्र में डूब गए थे। फिर बहुत से ऐसे होते हैं जो किसी वजह से डूब जाते हैं समुद्र में, मतलब कि जहाज डूब गया तो वो डूब गए समुद्र में, उनको मछलियां खा जाती हैं। फिर नोहा के समय पे, नूह के समय पे जो प्रलय आई थी इस पृथ्वी पर, उसमें बहुत से लोग डूब गए थे, तो वो सब अविश्वासी थे। तो वो सब फिर से जीवित हो उठेंगे, उनको एक शरीर दिया जाएगा और उनका जो शरीर था पृथ्वी पर वो रूपांतरित हो जाएगा, वो सब यीशु के सामने खड़े होंगे, तो उनका रेजरेक्शन होगा। क्या होता है कि मनुष्य किसी भी तरीके से मर सकता है, हो सकता है वो युद्ध में मर जाए और उसकी लाश को उठाने वाला कोई ना हो, उसके चिथड़े जो हैं चील कौवे खा लें या जंगली जानवर खा लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई जंगल में किसी जंगली जानवर द्वारा मारा गया, वो उसको खा लेता है। और कभी कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है कहीं पर, यानी कि बॉम्ब फटा और चिथड़े उड़ गए शरीर के, तो वो मिलते भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर इतना सामर्थी है कि जहां जहां भी किसी के भी शरीर का कोई भी अंश पड़ा होगा, वो वहां से उसको इकट्ठा करके उसको रूपांतरित करेगा और एक नया शरीर देगा उसको, चाहे वो अविश्वासी हो चाहे वो विश्वासी हो। पुनरुत्थान सबका होगा, फर्क सिर्फ इतना है कि विश्वासियों का जो पुनरुत्थान होता है वो स्वर्ग के लिए होता है, अविश्वासियों का जो पुनरुत्थान होता है वो नर्क के लिए होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? एक मसीही का शरीर चाहे गाड़ा जाए चाहे जलाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर हाल में उसका पुनरुत्थान जरूर होगा। उसके शरीर के सभी अंशों को परमेश्वर इकट्ठा करके एक नए अविनाशी शरीर में बदल देगा, मतलब उसमें फिर कोई मृत्यु नहीं होगी और वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस बात की चिंता एक मसीही को नहीं करनी चाहिए कि मृत्यु के बाद उसका शरीर जलाया जाएगा या गाड़ा जाएगा, क्योंकि उसका प्राण तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा परमेश्वर के पास, और समय आने पर भले ही वो जलाया गया हो, भले ही वो गाड़ा गया हो, भले ही वो समुद्र में डूब गया हो, उसका पुनरुत्थान फिर भी होगा। आमीन।